गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं स्टेजेस क्या होते हैं आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टेजेस इन ग्रोथ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसीपिएशन पीरियड एंड गोज अप टू डेथ। थस दीज चेंजेस आर Continuously taking place physical and psychological capacities. The term growth is related physical changes and it can be viewed and measured. Each stage growth and development are यहाँ पे कुछ stages दिए गए हैं जिसमें infancy age, early childhood age, later childhood age, adolescence age. इन stages को जिसपे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में इसमें बताया गया। फर्स्ट इसमें देखते हैं प्री नेचुरल स्टेज फ्रॉम कैपेसिटेशन टिल बर्थ। इसमें देखते हैं कि कैसे फर्स्ट सेल से लेकर कैसे उनका ग्रोथ माँ के पेट के अंदर होता है। इसके पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम कंसिपेशन पीरियड। Its stage are zygote stage, then embryo stage, then the development is very rapid during prenatal stage as it start from single cell to multi system of body. Second is में infancy age or babyhood stage from birth to 2 years. During this stage of body, the growth and development occur in progressive manner. Individual gains considerable weight and height during this stage of child. Parents should be understand the child's need. यहाँ पे जो birth से लेकर 2 साल के बीच में उनका डेवलपमेंट कैसे होता है आप जानते हैं कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो वो 3 to 5 मंथ में उसके हाथ पैर या अपने में नेचुरल एक्सरसाइज जो करता है हाथ पैर चलाना या करवट लेना, धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ के खड़े होना, हाथ और पैरों के सहारे आगे बढ़ना, इस तरह के जो एक्टिविटी होती है ये उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बताता है। इसमें हम देखेंगे चाइल्डहुड स्टेज जिसको कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसका जो एज ड्यूरेशन है 2 to 12 to 13 ईयर होता है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे। दिस इज द एज फ्रॉम 3 to 8 ईयर ऑफ चाइल्ड स्टेज। इन दिस एज द न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इज स्लो, थस वीक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन ऑल्सो स्लो ड्यूरिंग दिस स्टेज। आपको ये बता दें कि इस स्टेज में बच्चे अपना नेचुरल एक्सरसाइज करते हैं, खुद से जंप वगैरह करना या किसी चीज को पकड़ना, किसी बॉल को फेंकना, इस तरह की एक्टिविटी से वो अपने मसल्स और बोन के डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड है इसमें मिडिल चाइल्डहुड स्टेज जो 7 to 10 ईयर चलती है। इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड दे गेन सम स्ट्राइड इंप्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड स्पीड। दस लॉट ऑफ प्लेफुल एक्टिविटीज शुड बी देयर इज रनिंग जंपिंग एंड ऑब्स्टिकल रनिंग। इस स्टेज में जो बच्चे किसी को देखकर या किसी गेम के अकॉर्डिंग नई स्किल को सीखने की उनमें ललक होती, वो इस स्टेज में तेज दौड़ना, किसी चीज पे कूदना या ऑब्स्टिकल रन यानी किसी तरह की बाधा वाली दौड़ों को पूरा करते हैं। लास्ट इसमें लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है गर्ल्स के लिए 11 टू 13 ईयर, सेकेंड है बॉयज के लिए 10 टू 13 ईयर।
दिस इज द एज ऑफ 11 टू 12 ईयर ऑफ चाइल्ड स्टेज. ड्यूरिंग दिस स्टेज ग्रोथ इज स्लोअर वेयर एज डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड. मसल्स गेन स्ट्रेंथ मोर ओवर. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स ड्यूरिंग दिस स्टेज. चाइल्ड शुड परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज. गुड एजुकेशन शुड बी गिवेन एंड गाइडेड देम प्रॉपरली. ये वो स्टेज है जिसमें कि बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी डेवलप होता है, जो कि डेवलपमेंट गर्ल्स में जल्दी होता है. बॉयज में देखें उनकी आवाज़ का चेंज होना, हाइट का गेन करना, उनका वेट का बढ़ना, वो अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं. और इस स्टेज में ये जो देखने को मिलता है कि यहाँ पे उनको नई स्किल में परफेक्शन आने की जो संभावना होती है वो इसी स्टेज में होती है. फोर्थ है इसमें एडोलेसेंस स्टेज, जो 13 टू 19 ईयर तक चलता. दिस पीरियड इज चैलेंज फॉर पेरेंट्स इन टीनेज. चिल्ड्रेन वांट टू लाइव इंडिपेंडेंट एज दे कंसीडर देमसेल्फ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एडल्ट्स. एडोलेसेंस एज कॉजेज मेनी चेंजेस रिलेटेड टू सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इस स्टेज में जो किशोरावय अवस्था बोली जाती है, इसमें स्टूडेंट्स अपने आप में बिजी रहने वाले, अपने आप को एडल्ट्स के साथ कंपेयर करने वाले, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करने वाले. इस स्टेज में अगर हम देखें तो जैसे कि आप 9 टू 12 क्लास में होते हैं, इस स्टेज में आपकी फ्रेंड सर्किल बढ़ती है, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस को खुद में लेने की कोशिश करते हैं, और साइकोलॉजिकल रूप से सोशियोलॉजिकल रूप से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. अब इससे रिलेटेड हम कुछ होमवर्क देखते हैं. इसमें फर्स्ट है व्हाट इज ग्रोथ, सेकंड है डिस्कस डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. थैंक यू वेरी मच.